अब हम देखेंगे निबंध लिखते समय क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए। निबंध प्रस्ताव लिखने करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, यानी उसके नियमों का पालन हमें करना चाहिए। ये क्या क्या है करके हम एक एक करके देखेंगे। निबंध प्रश्न पत्र में दिए गए यानी यहाँ पूछे गए प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र का मतलब यहाँ क्वेश्चन को हम अच्छे तरह से पढ़ना चाहिए। उसके बारे में हमें किस दिशा में यानी सांकेतोन, सांकेतोन का मतलब यहाँ है दिशा यानी सिग्नल, किस दिशा में किस बारे में यहाँ प्रश्न पूछा गया है, किस आधार पर हमें लिखना चाहिए, इसका हमें ज्ञान करना चाहिए। हम प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़कर उसमें किसके बारे में यानी अब त्यौहार के बारे में कहा गया है तो आपको उस त्यौहार के बारे में उसको विशेष बारे में आपको लिखना चाहिए। एक मित्र के बारे में यानी एक गांव के बारे में कहे तो उसके बारे में आपको लिखना चाहिए। दूसरा है निबंध का प्रारंभ, प्रारंभ का मतलब स्टार्ट, शुरू का अंश, शुरू करना। किसी सुकेत, सुकेत का मतलब यहाँ है बढ़िया बात यानी एपिग्राम, यानी यहाँ हमें शुरू करने पर बढ़िया बात का चर्चा हमें करना चाहिए, रोचक बात का चर्चा हमें करना चाहिए। किसी उदाहरण, उदाहरण से भी हम कर सकते हैं। और काव्य, काव्य का मतलब हमें मालूम है कविता, कविता को हम यहाँ लिखना चाहिए। किसी कविता का पंक्ति, पहला लाइन को हम वहाँ स्पेसिफिक करके लिखने पर यानी हम लिखने पर उस निबंध कैसे आकर्षक, आकर्षक का मतलब खींचने वाला, अट्रैक्टिव हो सकता है। हम इंटरेस्टिंग से लिखना है तो हमें निबंध का शुरुआत, शुरुआत और पंक्तियों का यानी कविता का, कविता का पहले पद्य कैसे लिखना चाहिए, इसका हमें बढ़िया ज्ञान हमें होना चाहिए। और इंटरेस्टिंग से हम लिखें तो हमारा निबंध कैसे होगा, रोचक हो सकता है। निबंध में यदा, यदा का मतलब यहाँ है जिस प्रकार, हम निबंध में जिस प्रकार, स्थान, स्थान का मतलब आपको अच्छी तरह से मालूम है जगह, जगह में विरोम चिन्ह, चिन्ह का मतलब, विरोम का मतलब हमें पंक्चुएशन मार्क्स, कहाँ कहाँ हमें पंक्चुएशन मार्क्स को देना है, उसका प्रयोग करना है, वहाँ वहाँ हम उसका प्रयोग अच्छे तरह से यहाँ करना चाहिए। मैं आपको इसके बारे में अपने क्लास में चर्चा दे चुकी हूँ, इसके बारे में मैं एक बार कह रही हूँ। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का मतलब एक वाक्य अंत होगा तो उसमें हम एक डंडा रखेंगे, उसको हम पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। और प्रश्न वाचक चिन्ह, प्रश्न वाचक का मतलब आपको मन में क्वेश्चन मार्क डालना, और अलाप विराम एक कमा डालना। और दूसरा है अधि विराम, अधि विराम का मतलब एक डाट रखकर नीचे एक कमा डालना। और विस्मयादिक बोधक, विस्मयादिक बोधक का मतलब एक्सक्लेमेंट्री मार्क्स, यानी हम किसी को पुकारते हैं तो, और इस जगह अच्छा है तो, ओ ये जगह तो बहुत अच्छा है, इसमें हम क्या ये एक्सक्लेमेंट्री मार्क को हम यूज़ कर सकते हैं, विस्मयादिक बोधक का यहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह का मतलब हम कोटेशन में लिखना चाहिए, यानी हम कभी का पहला पंक्ति लिख रहे तो, कहावत लिख रहे तो, मुहावर लिख रहे तो, वहाँ हम कोटेशन डालकर लिखने पर हमारा निबंध बहुत अच्छा तौर तरीके से होगा। और योजना चिन्ह, योजना चिन्ह का मतलब हम दो शब्द यानी दो शब्द अगल बाजू में यानी पास पास में यूज़ करते समय, अभी पक पक और कैसा कैसा, कौन कौन, इसे हम यूज़ करते समय वहाँ एक लाइन डालकर हमें लिखना चाहिए। कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह का मतलब है ब्रैकेट में लिखना चाहिए, यहाँ समाप्त करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें जरूर होना चाहिए।
यहाँ निबंध दिए गए, दूसरा है निबंध दिए गए साकितों। साकितों का मतलब इशारा, इशारा के आधार पर विभिन्न, विभिन्न का मतलब यहाँ है, विभिन्न का मतलब यहाँ है क्या, अलग अलग, अलग अलग से अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। यानी अनुच्छेद का मतलब यहाँ है पैराग्राफ, अनुच्छेदों का मतलब है पैराग्राफ, हमें अलग अलग पैराग्राफ जैसे लिखना चाहिए। हम यहाँ निबंध में वैसे के वैसे क्या शुरू कर और अंत तक वैसे लिखने पर हमारा निबंध ठीक से नहीं पूरा हो सकता है। यानी हमें ऐसे बोलेंगे तो हम कैसे लिखना चाहिए, पैराग्राफ पैराग्राफ जैसे जॉइन कर लिखने पर ही निबंध कंप्लीट हो सकता है, पूरा हो सकता है। आपको पैराग्राफ लिखते समय एक बात का सूचना रखनी चाहिए, यानी आप शुरू करते समय दो वर्ड यानी थोड़ा लाइन जगह छोड़कर आपको लिखना चाहिए। दूसरा लाइन में आने पर आपको वहाँ से पहले से यानी दो लाइन के पहले दो शब्द से पहले आपको शुरू कर लिखना चाहिए, तभी तो आपका क्या हो सकता है, आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो सकता है, अच्छा देख सकता है, दिखाई दे सकता है। और दूसरा है अनावश्यक यानी अननेसेसरी, उसका हम क्या उस विस्तार, विस्तार का मतलब यहाँ है लंबाई चौड़ाई, डिटेल से हम, डिटेल से हमें बचना चाहिए। इसका मतलब है हम यहाँ यूज़ करते हैं तो किस शब्द को, किस वाक्य को हम यूज़ करते हैं तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी अब यहाँ हम एक त्यौहार के बारे में लिख रहे हैं, उदाहरण से देखेंगे, एक त्यौहार के बारे में लिख रहे हैं तो आपको मालूम है त्यौहार में कैसे मनाते हैं और किस टाइप से हम मनाते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, उसका गुण को हम लिखना चाहिए। इसमें बीच में मैं अब इस त्यौहार में मेरे दोस्त आए थे, मैं बहुत खुशी से मनाया था, इसका एक वाक्य में आपको लिख सकते हैं, लेकिन आपको पूरा मित्र के बारे में वहाँ उल्लेख नहीं करना चाहिए। यानी मेरा मित्र आया था, मेरा मित्र खाया था पिया था, इसका खुशी हम पूरा दिन किए थे और हम क्या किए थे, रात को सोए थे जागे थे, ऐसे पूरा नहीं लिखना चाहिए। एक शब्द यानी एक वाक्य में आपको कंप्लीट करना चाहिए, उसका डिटेल यानी विस्तार, विस्तार का मतलब लंबाई चौड़ाई से डिटेल से उसका प्राप्त यानी उल्लेख चर्चा हमें नहीं करना चाहिए। आपका मालूम है अब एक प्रस्ताव में एक प्रश्न पूछा गया है, यानी मित्र हम मित्र के बारे में पढ़े हैं, मित्र के बारे में अब हम जानेंगे। मित्र में आपको यहाँ त्यौहार के बारे में नहीं लेकर आनी चाहिए, यानी आवश्यक अनावश्यक के विषय को हम यहाँ चर्चा नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है निबंध के अंत में, यानी निबंध के अंत में मतलब शुरू से अंत, शुरू का मतलब मालूम है, हम शुरू करते समय हम प्रश्न को अच्छे तरह से पढ़ना है और लिखने का कार्य हम देख चुके हैं, ये अंत में किस तरीके से हमें लिखना चाहिए। आपको मालूम है शुरू से, शुरू अच्छा होना चाहिए और अंत भी उस प्रकार रोचक शब्द को हम प्रयोग करना चाहिए। अब हम देखेंगे किस प्रकार हम यहाँ प्रयोग करना चाहिए। यहाँ निबंध के अंत में विचारों का मतलब आइडियाज, क्या क्या आइडिया है उसको हम अंत में लिखना चाहिए। निचोड़ का मतलब यहाँ है सीक्वेंस यानी सारांश, इससे हमें क्या सीख मिलती है यानी क्या सारांश इससे हमें मिलती है, इस विषय के संबंध में अपनी सम्मति यानी अनुमति एडवाइस ओपिनियन को हम यहाँ लिखना चाहिए। इससे हमें क्या सीख मिलती है, इसका एडवाइस क्या है, इसको हम यहाँ लिखना चाहिए। और विषय से प्राप्त संदेशा का
उल्लेख करना चाहिए, यानी यहाँ क्या मैसेज आइडिया क्या आइडिया अच्छा है उसको हम चर्चा करना चाहिए, उसका एक वर्णन हमें यहाँ लिखना चाहिए। एक उदाहरण से हम देखेंगे। अब हम यहाँ त्यौहार के बारे में लिख रहे हैं तो आपका अंत में कैसा लिखना है? हमारा कर्तव्य है, यानी हमारा पालन है, हमारा कर्तव्य है कि हम त्यौहार को सच्चे यानी अच्छे रूप से विश्वास से मनाना चाहिए और मिलजुल कर अपने बातों को मिलजुल कर बात करके सुख शांति से हमें क्या करना चाहिए, त्यौहार को मनाना चाहिए। इस आधार पर हम सब लोग मिलजुल कर हमारे जीवन में रहना चाहिए, यही इस त्यौहार के बारे में हम लिखने के बाद यही सारांश हमें लिखना चाहिए। ऐसे ही आपको आपके अंत में यानी आप अंत में लिखते हैं तो आपके आइडिया आपके विचार आपके मैसेज अच्छे तरह से आपको चर्चा करनी चाहिए। आज हम देखने वाले हैं प्रस्ताव। प्रस्ताव का मतलब है निबंध लेखन, इसको हम आज देखने वाले हैं। निबंध का मतलब क्या है? निबंध को हम ऐसे बोलते हैं, ये हम जनरल से लिखना चाहिए क्योंकि कभी भी हम एक ऐसे यानी निबंध लिखते समय हमें कुछ नियमों का पालन यहाँ करना चाहिए, उसके बारे में हम अब एक एक करके देखेंगे। उसके पहले आपको इस वर्ग में स्वागत है। अच्छा, हम जाएंगे अभी। प्रस्ताव का मतलब है बात शुरू यानी आरंभ करना, इसको ये हम निबंध लिखन कहते हैं। निबंध लिखन क्या है? गद्य लिखन की यानी एक प्रोज, गद्य का मतलब प्रोज, लिखने की एक विधा है। विधा का मतलब रीति ढंग प्रकार है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय के तरीका और बोधिक, बोधिक का मतलब इंटेलिजेंट, और विवेचन, विवेचन का मतलब अच्छे बुरे का विचार करने की क्रिया, इसको हम विवेचन कहते हैं। निबंध को हम लिखते समय इसके बारे में पूरा ध्यान रखनी चाहिए, यानी विवेचन करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्य रूप में संदर्भ, संदर्भ रचना यानी संदर्भ, क्या संदर्भ में वो हम लिख सकते हैं, यानी किसके बारे में दिया गया है उसकी रचना यानी प्रस्ताव कभी उल्लेख किया जा सकता है, यानी उसकी चर्चा हम कर सकते हैं। निबंध में किसके बारे में कहा गया है उसके चर्चा हम यहाँ कर सकते हैं। अब हम इस पंक्ति को देखेंगे। प्रस्ताव तथा यानी और निबंध लेखन गद्य की, लेखन गद्य का मतलब आपको मालूम है क्या? प्रोस की सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब है सबसे अधिक, मोस्ट, लोकप्रिय, लोकप्रिय का मतलब है पॉपुलर, विधा है, विधा का मतलब रीति ढंग प्रकार है। ये प्रस्ताव ये निबंध एक अधिक सबसे अधिक पॉपुलर प्रकार है, रीति है। यहाँ विद्यार्थी को पराया, इसका मतलब है विद्यार्थी को समान, भरा हुआ, अनुरूप, इसके बारे में हम कहना चाहिए। इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। एक विषय, एक विषय का मतलब उसमें क्या दिया गया है। अब उदाहरण से हम देखेंगे, त्यौहार के बारे में दिया गया हो उस विषय पर हम निबंध को लिखना चाहिए। चित्र, चित्र का मतलब वहाँ पिक्चर यहाँ ड्रा करने का बात नहीं हो रही है, क्योंकि उसको ड्रा करना नहीं चाहिए, हमारे याद में उस पिक्चर को लेके आना चाहिए। अभी एक सामाजिक
यानी एक मित्र के बारे में कहने पर आपको अपने मित्र के चित्र आपके अंदर उतराना चाहिए, यानी लेकर आना चाहिए। यहाँ उक्कीत, उक्कीत का मतलब है कथन वाक्य। टिक्टम, टिक्टम का मतलब है कथन, इसमें क्या हमें उचित उचित दिया गया है उसके बारे में हम लिखना चाहिए। मुहावरा, मुहावरा का मतलब हमें मालूम है अरब भाषा का शब्द है, किसी अभ्यास इसको अर्थ को हम अभ्यास करना होता है, जो शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विषय अर्थ को प्रकट करती है उसे हम क्या कहते हैं, मुहावर कहते हैं। हम यहाँ एक उदाहरण से भी देख सकते हैं, क्या आँखों का तारा, यानी आँखों का तारा बोल तो उसका दूसरा अर्थ है बहुत प्यारे, यानी योग्य बच्चे सभी की आँखें का तारा होते हैं, सबको प्यारा लगते हैं, अच्छे बच्चे सबको बहुत प्यार करते हैं, प्यारा भी लगते हैं, इसका अर्थ यही है। यहाँ कहावत, कहावत का मतलब सेइंग यानी स्टेटमेंट, वचन, ये भी हम यहाँ कह सकते हैं। और यहाँ लोकगीत, लोकगीत का मतलब प्रोवर्ब्स, क्या क्या प्रोवर्ब्स यहाँ दिया गया है उसको भी हम अच्छी तरह से, यानी उस विषय पर, किस विषय पर हम बात करते हैं उस विषय पर उसको हम एक प्रोवर्ब्स भी वहाँ अंदर ले सकते हैं, यानी उसमें प्रोवर्ब्स के द्वारा भी हम लिख सकते हैं। एक प्रोवर्ब्स अच्छी तरह से आपको मालूम है तो उसका प्रयोग आप यहाँ कर सकते हैं। प्रोवर्ब्स यानी लोकगीत का मतलब प्रोवर्ब्स से, प्रोवर्ब्स हम यहाँ एक उदाहरण देखेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी, इसका मतलब है राजा ने जैसे ही बच्चों को आधा आधा काटकर कहने लगे कि आधा आधा काटकर असली दे दो, यानी एक एक राजा था, उस राजा बोला था, एक उसके पास एक न्याय का सवाल उठती थी, यानी एक माता, दो माता आए थे एक बच्चे को लेकर, एक माता कहती थी ये मेरा बच्चा है और दूसरा माँ कहती थी ये मेरा बच्चा है। तब राजा ने सोचा उसको आधा आधा काट कर क्या देने पर असली माँ को हम जान सकते हैं, इसे आधा आधा काट कर को कहने पर असली माता चिल्ला पड़ी, यानी वो रोने लगी, उस समय दूध का दूध पानी का पानी हो गया, यानी न्याय अंदर आ गई थी, कौन यहाँ असली माँ है उसके आधार, यानी उसका पहचान यहाँ हो चुका था, उसको ही हम यहाँ लोकित रूप में कहते हैं, यानी प्रावस के रूप में हम कहते हैं। यहाँ आपको क्यों ये प्रोवर्ब्स लिखना है, क्या जरूरी है यहाँ लिखने पर, यहाँ लिखने पर आपको एक प्रोवर्ब्स लिखने पर क्या आपके वाक्य बहुत सुंदर हो सकती है, आपका ये निबंध बहुत अच्छा, क्या अच्छे गुण से हो सकती है, इसीलिए आप प्रोवर्ब्स का यूज़ यहाँ किए तो आपका निबंध यानी प्रस्ताव बहुत ठीक यानी रोचक बन सकती है। आदि देखकर उस पर सखिट, यानी सटीक का मतलब है बिल्कुल ठीक। एवं, एवं का मतलब ऐसे ही, इस प्रकार। संकित्रे यानी कंसंट्रेट, कंसंट्रेट कहाँ करना चाहिए हमें, किस विषय पर हम लिखते हैं, किस चित्र को, यानी एक चित्र को हम क्या करना चाहिए, अपने अंदर मन में सोचना चाहिए, उसे हम वचन यानी कैसे प्रकट करते हैं, मुहावर से, कहावत और प्रोवर्ब से हम उसे क्या करना चाहिए, उसका बिल्कुल ठीक प्रकार उसे कंसंट्रेट कर हमें उस प्रस्ताव को लिखना चाहिए, लिखने को कहा जाता है यहाँ, इस प्रकार हमें लिखने को कहा जाता है। इस प्रस्ताव लगभग 250 से
300 शब्दों में लिखना होता है। यहाँ आपको 250 से क्या 300 का मतलब 300 शब्दों में आपको लिखना जरूरी है। अब आपको मालूम हो गया है ये प्रस्ताव यानी निबंध लेखन क्या है। हम और एक बार देखेंगे प्रस्ताव अद्व, अद्व का मतलब अर्थ यानी और। निबंध लेखन गद्य की एक सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। विद्यार्थी के प्रयास एक विषय चित्र उपगीत मुहावर कहावत लोकिक्त आदि देकर उस पर सटीक एवं संगीतित यानी उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट हम लगाकर उस प्रस्ताव को लिखने को यहाँ कहा जाता है। इसे हम 250 से 300 यानी 250 से 300 शब्दों में हम लिखना चाहिए। निबंध लिखने पर हम क्या क्या नियमों का पालन यहाँ करना चाहिए इसके बारे में हम अब देखकर बाद में एक निबंध को हम यहाँ पढ़ेंगे। अब हम प्रश्न देखेंगे। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है यानी हमारे जीवन में एक दवाई के जैसे आने वाले विश्वास पात्र मित्र ही होते हैं। कथन के आधार पर बताएं कि मानव के जीवन में मित्रों का क्या महत्व है। हमारे जीवन में मित्र का क्या महत्व है। वे किस प्रकार व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं यानी कैसे जीवन को अच्छे रास्ते में लेकर जाते हैं। आप अपने मित्रों का चुनाव करते समय उसमें किन किन गुणों को या गुणों का होना आवश्यक समझेंगे यानी आपको चुनते समय आपके मित्र कैसे होना चाहिए इसका ध्यान आपको रखनी चाहिए। अपने विचार को स्पष्ट से लिखिए यानी आपके विचार को यहाँ चर्चा कर अच्छी तरह से यानी रोचक वस्तु को डालकर यहाँ लिखना चाहिए। अब हम पहला नियम देखे थे क्या करके प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़कर उसके अनुसार हमें यहाँ क्या लिखने का ऐसे लिखना चाहिए। यहाँ अब प्रश्न पढ़ चुके हैं उसका उत्तर है मित्र के बारे में आपको यहाँ लिखना है सच्चे मित्र के बारे में लिखना है। अब हम उत्तर को देखेंगे यानी किस प्रकार हमें लिखना है इसके बारे में हम देखेंगे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है यानी मनुष्य एक व्यक्ति इस दुनिया में रहते समय वह अकेला नहीं रह सकता है क्योंकि अकेला रहना एक बहुत बड़ी साधना है। जो लोग समाज या परिवार में रहते हैं वे एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। परिवार में माता पिता दादा दादी नाना नानी और भाई बहन काका काकी इन लोगों का सहायता से वे जीते हैं। इसको ये यहाँ कहा गया है मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जीवन के आरंभ से अंत तक वह एकांकी जीवन बिताती नहीं कर सकता यानी जीवन के आरंभ तक वो अंत तक का मतलब हमारे जीवन के आरंभ यानी हम जन्म लेते समय तक और मरते दम तक एकांकी जीवन ये जीवन का एक अंग है वो हम क्या नहीं कर सकते। वहाँ हम मरते यानी पास्ट को हम याद करके नहीं जी सकते। बचपन में माता की गोद उसका साथ देती है यानी बचपन में यानी वो छोटे बचपन में अपने माता की आंचल में यानी माँ की आंचल में साथ रहता है और धीरे धीरे परिवार के सदस्यों उसके साथ होते हैं यानी परिवार के सब लोग उसके साथ देते हैं। किशोर अवस्था का मतलब टीनेज में उसका
अनेक मित्र उसके साथ होते हैं, यानी हमारे टीनेज में हम मित्र के सहायता से जीते हैं। जीवन को सुखमय और प्रकृतिशील बनाने में मित्र की भूमिका अस्नदिक्कत यानी क्वेश्चनेबल पक्का होती है, यानी प्रकृतिशील मतलब हमारे नेचर मतलब जीवन को सुखमय का जीवन दिलाने में हमें नेचर के साथ हमारे मित्र को भूमिका का पक्का हमें यहाँ जीवन मार्ग को लेके जाना चाहिए। जीवन में पग पग पर मित्र की आवश्यकता पड़ती है, यानी हमें हर कदम में अपने मित्र की आवश्यकता यहाँ होती है। यहाँ पग पग का मतलब पैर पाँव, हम चलते समय एक पाँव रखकर और दूसरी पाँव रखने की दूरी तक हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मित्र की ज़रूरत यहाँ पड़ती है। मित्र के अभाव में जीवन निराश हो जाता है, यानी यहाँ मित्र के बिना हमारे जीवन पीका हो जाती है। मित्र दो हृदय को जोड़ते हैं, यानी यहाँ मित्र दो हृदय को जोड़ते हैं। एक जन्म कहाँ लेता है और दूसरा कहाँ जन्म लेता है, लेकिन दोस्त बन गए तो उनका दो हृदय यहाँ जुड़ जाता है। प्राणों के तार मिलती है, यानी तार का मतलब हमें मालूम है उस जमाने में क्या 60-70s में क्या नहीं था, ये टेलीफोन वगैरह कुछ भी नहीं था उस जमाने में। कोई तो मर गए तो कुछ तो हो गया तो क्या करेंगे, एक संदेशा जैसे भेजेंगे, इसके लिए तार आवश्यकता होती थी। वैसे ही प्राणों के तार मिलती है। प्रतियोग व्यक्ति, यानी प्रतियोग का मतलब ईच वन एवरी, हर एक व्यक्ति को यानी मनुष्य को जीवन में कई ऐसा मनुष्य चाहिए, यानी हर किसी को एक अच्छा मित्र चाहिए जिससे वह अपनी सुख दुख की बात दिल खोलकर कर सके, यानी अपनी दिल की बात दिल खोलकर सुख हो या दुख हो उसे अपने दिल खोलकर बात कर सके। तथा जो पग पग पर यानी हर कदम पर उसका मार्गदर्शन करे, मार्गदर्शन का मतलब सही रास्ता दिखाने वाला, गाइडेंस करने वाला। मित्र इस कृत्य को बली बांधी निभाता है, बली बांधी का मतलब अपने प्राण देकर भी वह निभाता है। आदर्श मित्र व्यक्ति का शुभ चिंतक यानी कल्याण, अपने मन में एक परिवर्तन लेकर आता है, मार्गदर्शक होता है, अच्छा गाइड बन सकता है। जब व्यक्ति के पास धन पद, धन का मतलब पैसा, पद का मतलब अपने पोजीशन, तथा विभाव, विभाव का मतलब यहाँ है शान शौकत दौलत सुख शांति होता है तो अनेक व्यक्ति उससे मित्र करने की इच्छुक रहते हैं, यानी उनके पास धन दौलत पद हो तो उनके साथ मित्रता रखने के इच्छा करते हैं। परंतु जैसे ही उसका धन समाप्त हो जाता है, यानी उसका धन समाप्त होने पर खोने पर कुछ लोग उसे किनारा कर लेते हैं। क्या अच्छे दोस्त बनेंगे तो उसे नहीं छोड़ देंगे, लेकिन बुरे दोस्तों तो उसे छोड़ देते हैं। विपत्ति के समय यानी संकट के समय साथ देने वाला ही सच्चे मनुष्य कहे जाते हैं, यानी कोई भी हो अपनी संकट के समय में साथ देने वाला ही अच्छे मित्र के समान देते हैं। सच्चा मित्र अपने पहाड़ जैसे दुख को धूल के गन के सामना समझता है। यहाँ धूल के गन का मतलब धूल का टुकड़ा यानी धन, धूल को भी क्या कर सकते हैं टुकड़ा करके उसके समान वो समझता है, और अपने मित्र की धूल के गन जैसे छोटे से दुख को परिवर्तन से भी बड़ा मानता है, यानी अपने मित्र का दुख को
छोटा सा दुख को भी कैसे पहाड़ जैसे मानता है। निज दुख, निज निज का मतलब यहाँ है अपना। यहाँ और एक बात है, यहाँ एक काम हाइफन डाले हैं, उसको भी आप देख लो, इसका मतलब है ये कवि से, कुछ कवियों से लिखी लिए गई वाक्य है। निज दुख, अपने दुख को। खरिशम रिज गिर जाना, यानी अपने दुख को भी बहुत छोटा सा नहीं बड़ा रूप से मानता है। मित्र का दुख रज मेरु समान, यानी यहाँ आपको मेरु का मतलब है जब माला में सबसे ऊपर रहेगी। आप माला पहनते समय आप देखेंगे तो एक कुंडलिया भर, एक मणि भर कैसे होगी, ऊपर होगी। उस तरह से मित्र का दुख को समझते हैं। सच्चे मित्र मिलना बड़े स्वाभाविक की बात है। स्वभाव का मतलब अच्छे भाग्य, गुड लक है। अच्छा मित्र मिल गया तो हमारा गुड लक वही होता है। विश्वास पात्र, यानी विश्वास पात्र मित्र जीवन की। अच्छे मित्र, अपने विश्वास से रहने वाले मित्र औषधि है, यानी दवाई जैसे होते हैं। सच्चे मित्र में उत्तम वैद्य, यानी आयुर्वेदिक इलाज करने वाला फिजिशियन हम कहते हैं उसको, की सी निपुणता, यानी अच्छे दोस्त कैसे दवाई जैसे होते हैं। और परक तदा अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य व कोमलता होती है। माँ की तरह मित्र भी हमारा प्रोटेक्ट यहाँ करते हैं। सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति पड़ने पर ही होती है, यानी हमें संकट में रहते समय ही हमें मालूम होता है ये सच्चे मित्र है क्या नहीं है क्या। धीरज धर्म मित्र आरु नारी, आपत्काल परकीय चारी, यानी हमें मित्र को कैसे नारी के रूप में यहाँ देते हैं, यानी माता कैसे अपे प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे मित्र भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। सच्चा मित्र असत्य से सत्य के ओर, यानी सत्य असत्य का मतलब अन्याय से न्याय की ओर हमें, और पाप से पुण्य, पाप का मतलब है सिन, सिन से हमें मुक्ति दिलाने वाला और उसकी मार्ग से हमें लेकर जाता है, यानी पुण्य के मार्ग से हमें लेकर जाता है। अंधकार से प्रकाश की ओर, यानी अंधकार का मतलब मालूम है रात को अंधेरा जाती है, वैसे ही प्रकाश की ओर हमें लेकर जाता है। अधर्म से धर्म की ओर, यानी हमें अच्छे गुण के मार्ग पर लेकर जाता है। तथा बुराई से अच्छाई की ओर, यानी बुरा क्या गंदा है उसको हम छोड़ देना चाहिए। अपनी गुण में कुछ भी कमी हो तो भी वो क्या करता है, उसे सुधारता है। यही एक सच्चा मित्र अपने मित्र को, यानी अपने दोस्त को सही रास्ते में लेकर जाते हैं। इस तरह आपको अपनी ये इसे को लिखना चाहिए। धन्यवाद बच्चे, फिर अगले वर्ग में मिलेंगे।